दोस्तों, यह है ग्लैमर बाइक। और इस बाइक में क्या हो रहा है, आर्मेचर कॉइल हम लोगों का ख़राब हो गया। हमने जांच कैसे किया, मल्टीमीटर की मदद से हमने जांच किया कि इसका ओम्स ख़राब आ रहा है। तो आप लोगों को भी इस वीडियो को देखने के बाद 100% पता चलेगा, जो बाइक में अगर बैटरी चार्ज की समस्या होता है यानी कि हेडलाइट ना जले, तो ये वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। आज हम आपको बताने वाले हैं जो बाइक में दिया जाता है हम लोग का आर्मेचर कॉइल, इसका टेस्टिंग आप लोगों को बताएंगे और एक्चुअली इसमें कितना हम लोग का ओम्स आएगा वो भी बताएंगे। और इस बाइक में एक्चुअली हम लोग का हेडलाइट नहीं चल रहा है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं, मल्टीमीटर एक होना एक मैकेनिक भाई के पास बहुत ही ज़रूरी होता है। मल्टीमीटर को हम लोग करेंगे 200 ओम्स पर, तो इसका जो ओम्स आएगा 1.6, 1.9 इस तरह का आना चाहिए, तब जाके हमको लगेगा जो आर्मेचर कॉइल हम लोग का गुड कंडीशन है। तो चलो मैं चेकअप करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ 200 ओम्स पे रखा है तो इसका ओम जो आ रहा है 400 यानी कि 4.8 आ रहा है। इसका ओम्स काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इससे क्या होगा, हम लोग का बिजली चालू नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट हो चुकी है। शॉर्ट होने की वजह से हम लोग को ओम्स ख़राब मिल रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो लैम्प है एक गुड कंडीशन है, एक वाइट कलर और एक हरा कलर जो दोनों वायर है, इसमें एक एक करके लगा देंगे। और किक का उपयोग करेंगे, मारो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ अगर किक का उपयोग करें तो यहाँ हम लोग को लाइट जो है चक करेगा, एकदम तेज़ी से रोशनी होगा। तो चलिए आप लोग को प्रूफ करके दिखाते हैं, जो आर्मेचर कॉइल हम लोग का डाउन हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों, चलिए आप लोगों को खोलने का बाद दिखाता हूँ जो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। हमारे नज़र में आ चुकी है कौन सा कॉइल ख़राब है। यहाँ से जितना भी कॉइल है एक कॉइल ख़राब है, ये वाला आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ। शायद ये आर्मेचर कॉइल अच्छा भी हो सकता है, यानी कि इसको रिपेयर अगर करें तो ये ठीक भी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कौन सा इनमें से एक कॉइल अगर ख़राब हो जाएगा तो उसको शॉर्ट करने के बाद हम लोग इसको ठीक भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊँगा। तो चलो सबसे पहले खोलते हैं, पकड़ो इसको। तो दोस्तों, चलो सबसे पहले इसको सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, कहाँ पर फोल्ड है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे पोल जो है गुड कंडीशन है। एक ही पोल हम लोग का ख़राब हुआ है, कौन सा मैं आपको बताता हूँ। पतला इसको डबर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ देखिए एक कॉइल जो है यहाँ हम लोग का मुरझा हुआ है और इसमें हम लोग का कोई भी मुरझा हुआ नहीं है, तो ये कॉइल हम लोग का ख़राब हो चुकी है। इसे हम लोग को सिर्फ शॉर्ट करना पड़ेगा, तब जाके काम हम लोगों को बन जाएगा। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, दोनों वायर को हमने यहाँ से खोला, अब आप लोगों को चेकअप कराता हूँ जो कंडीशन हम लोगों का कैसा है। यहाँ से हम लोगों को बताएगा, एकदम ओम स्टिक बता रहा है इसका। यहाँ से अगर हम लोग शॉर्ट कर दे, एक दो तो शॉर्ट हुआ है, देखो। जब तक ये शॉर्ट हम लोग छोड़ ना दे इसको, यानी कि ठीक ना कर दे, काम नहीं बनेगा। तो हमने दोनों वायर को खोलने के बाद हम लोग का शॉर्ट ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ जो हम लोग का कॉइल है, एक कॉइल हम लोग का ख़राब हो गया है, ये वाला कॉइल। तो ये वाला कॉइल को हम लोग को बदल के देखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये जो कॉइल था मैंने बात दे दिया है, और आप लोगों को अभी माप के दिखाता हूँ। जो मल्टीमीटर से हम लोग का शॉर्ट जो था हमने ठीक कर दिया, देखो ठीक आ रहा है। अब एक एक वायर को यहाँ हम लोग चेक करेंगे, कहीं भी बॉडी नहीं है। देखो, अगर बॉडी रहता तो यहाँ हम लोग का मल्टीमीटर में शो करता और फिर काम नहीं बनता। तो इससे हम लोग का ओम्स का कंडीशन अभी भी आप लोग को दिखाता हूँ, कंडीशन ओम्स का कैसा है। तो डायरेक्ट अभी आप लोग वो ओम्स माप के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, 2.1 आया है, और थोड़ा हाथ अगर हटा दे तो शायद 1 आ सकता है, लेकिन 2.0 इससे काम बन जाएगा। बाइक का लाइट फाइट जलेगा, चार्जिंग भी चलेगा। तो चलो ये सब तार वगैरह लगा देता हूँ, लगाने के बाद आप लोगों से बाइक में लगा के देता हूँ। तो दोस्तों, इसका ओम थोड़ा हम लोगों को हमने घटा दिया है, यानी कि 2.2 आ रहा है। 1.1, 1.6, 1.8 आता तो और भी गुड कंडीशन था, लेकिन ये किस लिए किया,
मजबूरी में किया, कस्टमर के पास बजट नहीं है, तो बाइक अभी चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, श्योर हूँ। अभी आप लोगों को लैम्प जला के दिखाता हूँ, जो लैम्प हम लोगों का कैसा रोशनी दे रहा है। चाबी ऑफ करके मारो, किक मारो, एकदम लाइट जो है, रोशनी जो है हम लोगों को एकदम तेज से आने लगा है। इससे बैटरी चार्ज भी होगा और हेडलाइट भी जलेगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए, हेडलाइट की रोशनी जो है, हेडलाइट की रोशनी नहीं कम हुआ है, ठीक है, रोशनी उतना सही हम लोग का आ रहा है, एकदम रोशनी जो है हम लोग को सही आ रहा है। और बैटरी चार्ज आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर बैटरी चार्ज हम लोग को 12 वोल्ट आएगा तो हमको माप सकते हैं, तभी 12 आ रहा है। बंद करके एक बार देखेंगे बैटरी हम लोग का ठीक है, सेल्फ काम कर रहा है कि नहीं। बैटरी डाउन है, वहाँ दिखाओ, बैटरी डाउन है। तो दोस्तों बाइक चलते चलते ऑटोमेटिक बैटरी बैठ गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर दूसरा बैटरी लगा के अगर मापेंगे तो 14 वोल्ट मिल जाएगा 100%। तो दोस्तों इस बाइक का आर्मेचर कॉयल हम लोग का एकदम गई भैंस पानी में था, और हमने क्या किया, उसी को ठीक किया। मैकेनिक का काम है बिगड़ी हुई चीज़ को सही करना, और आप लोगों को वीडियो के ज़रिए से दिखाया। तो दोस्तों ये प्रोसेस जो था, कभी कभी आप लोग यूज करना, हर कोई बाइक में नहीं। अगर कोई कस्टमर बोलते हैं कि जितना भी खर्चा हो, बजट का कोई टेंशन नहीं, काम हम लोग को झकास से कर देना है, तो आप लोग उसी वक्त आर्मेचर कॉयल को रिपेयर मत करो, वही नया आर्मेचर कॉयल डाल दो। अगर हाँ कोई भाई अगर कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, इसे कोई भी किसी के जुगान करके यानी कि इसको चालू कर दो, तो आप वैसा रीज़न में आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया वही आप लोग कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना सा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू।